बात तब की है जब चंदूलाल शाह फिल्म नीली बना रहे थे। फिल्म की हीरोइन थी सुरैया। फिल्म के संगीत के लिए एस मोहिंदर के सामने एक शर्त रख दी गई कि उनकी कंपोजिशन सुरैया को पसंद आनी चाहिए, तभी वो म्यूजिक डायरेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकेंगे। एस मोहिंदर सुरैया से 1946 में लाहौर रेडियो पे मिल चुके थे। तब सुरैया ने उन्हें बॉम्बे आने पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। एस मोहिंदर अब कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो एक दिन पहले ही सुरैया से मिलने उनके घर जा पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने सुरैया को शर्त वाली बात बताई, साथ ही उन्होंने सुरैया को अगले दिन के लिए तैयार दो धुनें भी अभी सुना दी। धुनें बेहतरीन थी, सुरैया को भी बहुत पसंद आई। उन्होंने एस मोहिंदर से कहा कि कल जब मैं म्यूजिक सुनने के लिए आऊं तो आप ऐसा जाहिर मत होने दीजिएगा कि हम पहले मिल चुके हैं। अगले दिन चंदूलाल शाह के ऑफिस में दोनों की मीटिंग हुई। एस मोहिंदर ने दो गीत सुरैया को सुनाए, फूल खिलते हैं गुलशन में और चोरी चोरी आना हो राजा। चंदूलाल शाह के पूछने पर सुरैया ने इन दोनों ही कंपोजिशन पर अपनी सहमति देते हुए कहा, ये दोनों ही सुपरहिट गीत हैं, बिल्कुल चलेंगे। सुरैया की बात ने वेट बढ़ा दिया एस मोहिंदर का, जिसके बाद एस मोहिंदर को 7,000 रुपए मेहनताने पर साइन कर लिया गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।